आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया खबर दिल्ली से। पिछले महीने पुलवामा में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर हमला कर करीब 40 सीआरपीएफ के जवानों को शहीद कर दिया था, जिसके बाद पूरा देश जवानों को श्रद्धांजलि देने और उनके परिवार को हौसला देने के लिए आगे आया। वहीं आज दिल्ली के घवेरा गांव के लोगों ने शहीदों के परिवार को पूरे गाँव ने मिलकर 5,21,000 की राशि श्रद्धांजलि स्वरूप भेंट की और देश की सेना और देशद्रोहियों को बता दिया, देश का हर नौजवान, अमीर हो या गरीब, वो सभी देश की सुरक्षा कर्मियों और उनके परिवार के साथ है। आइए सुनते हैं स्थानीय लोगों को। ये हम जो पुलवामा के शहीद हुए हमारे 40-45 जवान, उनके लिए हम सहायता राशि देना चाहते हैं उनके परिवारों को। सर आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, आपने ही बताया था कि आप भी सीआरपीएफ से रिटायर्ड हैं। हाँ, जब कोई भी फोर्स कोई भी जो है ना ऐसा योग रखती है, एजिटेशन करती है, तो उसमें बहुत ही तकलीफ होती है, जिसका और सिविलियन को नहीं पता होता। और जो यहाँ हमारे नेता यहाँ इनके जो है बुराई करते हैं फोर्स की, उससे फोर्स वालों को बहुत ही तकलीफ़ होती है, उनका मनोबल डाउन होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई भी पार्टी नेता किसी किस्म का फोर्स के खिलाफ जो है कोई भी शब्द ना कहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठीक, जो शहीद हुए हमारे जवान उनकी मदद करें, अब ना के राजनीति में बड़ा उनके बच्चों के लिए मदद करा ताकि उनको हौसला मिले। बिल्कुल सर, आप बताएं जो ये लगातार जो नेता जो सामने आ रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं सरकार से एयर स्ट्राइक का, आप कितना इसे सही मानते हैं, क्या मानते हैं सर? नहीं, सबूत नहीं मांगना चाहिए नेताओं को, सरकार पे विश्वास रखना चाहिए। सरकार ने जो कदम उठाया है इतने हाई लेवल के ऊपर, जो कि इसके सबूत अभी टाइम लग सकता है, मोदी सरकार शायद आपको दोबारा से अच्छे से सबूत देगी। और पाकिस्तान को भी अपने हद में रहना चाहिए, हद में ला के छोड़ देंगे। बताएंगे ऐसा है जी, पूरे गांव का 36 रात का पैसा है इसमें, हम लोगों ने इकट्ठा किया है और ये हम चाहते हैं उनकी मदद हो जाए उनके परिवारों की। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपने देखा घवेरा गांव के लोगों का जज्बा। ये थी दिल्ली से प्रभाकर राणा की रिपोर्ट, आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।